హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఈగిల్ స్పోర్ట్స్. ఇండియన్ హాకీ టోక్యో ఒలింపిక్స్ లో చరిత్ర మీద చరిత్ర సృష్టిస్తూ వచ్చింది. మెన్స్ హాకీ అండ్ ఉమెన్స్ హాకీ. మెన్స్ హాకీ ఆఫ్ కోర్స్ బ్రాంజ్ మెడల్, బట్ ఉమెన్స్ హాకీ మెడల్ రాలేదు అన్న బాధ కన్నా కూడా వాళ్ళు ఆడిన ఆట తీరుకి డెఫినెట్లీ సెల్యూట్ చేయాలి. నాతో పాటు సిద్ధార్థ్ గారు ఉన్నారు, ఆయనతో మాట్లాడదాం. పహిలీ బాత్ సార్, ఏ డోంట్ లుక్ ఎట్ ద లాస్, లుక్ ఎట్ ద గ్లోరీ. జో హమారి మహిళా కి టీమ్ నే ఆస్కర్ దిఖాయా. मैं सोचता हूं कि ये जो नंबर फोर्थ पोजीशन इंडियन वुमेन्स हॉकी यहां पे जो आया है टोक्यो 2020 में, ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है और बहुत ही बड़ी स्फूर्ति है सारे देश के लिए. जी जी संदीप, सबसे पहले तो आप मुझे सर मत बोलिए. हम दोनों को कमेंटेटर्स है, एक ही ब्रॉडकास्टर के लिए काम कर रहे हैं और दोस्त भी है, तो सर मत बोलिए मुझे. उसी बात मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ. जो एनालॉजी आपने दी है उसको मैं अलग तरीके से देखता हूँ. मैं कहूंगा डोंट लुक एट द रिजल्ट, लुक एट द परफॉर्मेंस. मेडल नहीं आया है मगर जो परफॉर्मेंस रही है वो मेडल से कम नहीं रही है. हमें ध्यान देना होगा और हम ये नहीं भूल सकते कि इंडियन वुमेन्स हॉकी रियो में पहली बार ओलंपिक्स में गई थी और वहां पर एक भी मैच नहीं जीता था उन्होंने. जापान के साथ ड्रॉ खेली थी, बाकी मैचेस हारी थी. वहां से 5 साल के अंदर अंदर वर्ल्ड की टॉप 7 टीम में आना, 7th है करेंटली इंडियन वुमेन्स टीम. और FIH की नई रैंकिंग मेरे ख्याल से कल फिर से रिलीज होने वाली है, जहां पर मेरा अनुमान है कि 6th बन जाएंगे वो. तो वर्ल्ड की टॉप 6 टीम में आना 5 साल के अंदर अंदर, क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराना, उस ऑस्ट्रेलिया ने जिन्होंने आप पे 6 गोल मारे थे रियो में, उन्हें क्वार्टर फाइनल में हराना, अर्जेंटीना के साथ सिर्फ 1 गोल के मार्जिन से हारना, आज सिर्फ 1 गोल के मार्जिन से हारना डिफेंडिंग चैंपियंस के साथ रियो के, इसे कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा आपको कहां टोक्यो में है. और मैं हमेशा से कह रहा हूं, संदीप आपने भी सुना होगा, वाकई बहुत बड़ा दशक हमारे सामने है विमेन्स हॉकी में. मेन्स हॉकी में तो है ही, मेन्स हॉकी तो ब्रॉन्ज मेडल जीत के उन्होंने तो नया इतिहास रचा ही है, मगर ये लड़कियां 3 साल बाद पेरिस में इससे भी बेहतर दावेदारी पेश करेंगे मेडल के लिए, ये मेरा पक्का यकीन है. कुछ महीनों में जूनियर वर्ल्ड कप है, हम पोडियम पे होंगे, शायद हमारे नेक में गोल्ड होगा. जी, सबसे बड़ी बात कही है आपने. और वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे, जूनियर वर्ल्ड कप की और पोडियम की बात कर रहे हैं, लेकिन आज का जो परफॉर्मेंस रहा है 2-0 जब वो ट्रेल करेंगे तो सबने सोच लिया कि ठीक है ये तो अब हो गया, जाने देते हैं, अच्छा खेला है, ठीक है, वेल प्लेड. बट जैसे 2-1 हुआ उम्मीदें बड़ी, जैसे 2-2 हुआ लोगों को लगा कि आज कुछ होने वाला है, जैसे 3-2 हो गया तो सबके अंदर में आशा जाग उठी थी. तो अगर उस एंगल से देखा जाए तो इसलिए राणा रामपाल ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि हम लीड में थे और इट इज अ डिसअपॉइंटमेंट दैट वी हैव लॉस्ट. बट जिस तरीके से उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल मैच में जीबी के खिलाफ 2-0 से 3-2 की वापसी जो दिखाई एक ही क्वार्टर में, मैं सोचता हूं कि अगर इसको हम फ्रेम करके रखेंगे एक इंस्पिरेशन बनेगी और एक लेसन भी होगा, यू नो, लुक फॉर व्हाट कैन हैपन विद इन अ क्वार्टर. क्योंकि आप सोचते हैं यार 2 गोल हो गया, थोड़ा डिफेंड कर लेते हैं, लेकिन जैसे वो वापसी किया उन्होंने, बहुत ही जबरदस्त वापसी, लाजवाब वापसी थी. और ये भारतीय टीम की फिटनेस को भी दर्शाता है. अर्जेंटीना के साथ इन्होंने खेला, अर्जेंटीना जैसे कि आप जानते हैं बहुत टफ ब्रांड ऑफ हॉकी खेलती है, उनके साथ आपने लीड ली थी, बहुत करीबी मामले में आप वो मैच हारे थे. जीबी के साथ आज आप पिछड़ रहे थे, वहां से जाकर आपने फिर से लीड ली. 2 चीजें ये मेरे लिए दर्शाता है संदीप. एक है फिटनेस, टीम की जो फिजिकल कंडीशनिंग है बेहतरीन है, इसका श्रेय जाता है वेन लोम्बार्ड को जो साइंटिफिक एडवाइजर है. दूसरी है मेंटेलिटी, साइकोलॉजिकली आप कितने स्ट्रांग हो. 2 गोल से आप डिफेंडिंग चैंपियन से पिछड़ रहे हो, 3 गोल से डिफेंडिंग चैंपियन से पिछड़ रहे हो, आप में कितना दम है, कितनी सकत है, आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो फाइट बैक करने के लिए. ये दोनों अगर आपके पास नहीं होंगे या इन दोनों में से एक ही कोई चीज होगी, आप फाइट बैक नहीं कर पाओगे. मेंटेलिटी की बात कर रहा हूं, मैं आपको एक मेरी पर्सनल कहानी बताता हूँ संदीप. मैं खुद एक FIH लेवल 2 कोच हूँ. हॉकी इंडिया के लिए जब मैं कोचिंग कर रहा था तब मैंने तब के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर डेविड को पूछा था कि सर मुझे अपने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पे काम करना है, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं. तो उस टाइम के जो हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर थे डेविड, उन्होंने मुझे कहा कि आप शोअर को जाके मिले, शोअर से बेहतर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कोई नहीं जानता. तो मैंने शोअर से संपर्क किया, शोअर मराइन जो कोच है भारतीय महिला टीम के, उन्होंने मुझसे कहा आप ये किताबें पढ़िए, ये लेक्चर्स पढ़िए, ये पेपर्स देखिए. तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में शोर्ट मराइन की दखल बहुत समय से रही है, वो इसको बखूबी जानते हैं. और ये नई मेंटालिटी जो आप देख रहे हैं टीम की, ये ओवरनाइट नहीं हुई है, साइकोलॉजिकली लड़कियों पर काम किया गया है एंड दे नेवर गिव अप. वही चाहते हैं कि आपने जैसे कहा कि 2024 में पेरिस में
दावेदार होंगे मेडल के। और उससे अच्छा अगर एक और बात कही जाए तो हमारे देश में ना नंबर फोर्स को बहुत ही आदर से बरखा जाता है। आप मिल्खा सिंह जी को देख लीजिए, पीटी उषा को देख लीजिए, दीपा कर्माकर को देख लीजिए, अभी इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम जहां पे फोर्थ पोजीशन में है। आप इस ये फोर्थ पोजीशन की ये जो हासिल किया था इन्होंने, कोई पदक तो नहीं मिलेगा लेकिन सबसे बड़ी ये जो उनकी जीत रही है, पूरा देश अभी उनको ऐसा देख रहा है कि ये लड़कियां कुछ कर दिखाएंगी। जो नाम आपने लिए वो अपने आप में मिसाल है और बहुत महत्वपूर्ण नाम लिए आपने। मिल्खा सिंह के बाद कोई 400 मीटर धावक भारत ने पैदा नहीं किया जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा है, ही वाज अ वन ऑफ। पीटी उषा के बाद हमने कोई धावक नहीं पैदा किया है वुमेन्स में जिसने जाके दुनिया को हिला दिया। जिम्नास्टिक्स में जो नाम आपने लिया उसके बाद हमने कोई बेहतरीन जिम्नास्ट अब तक प्रोड्यूस नहीं किया है, उम्मीदें करेंगे। मगर मैं आपसे कुछ और कह रहा हूँ, ये चौथा स्थान, इससे हम बेहतर होने वाले हैं अगले ओलंपिक्स में। ये वन ऑफ नहीं है, ये फ्लूक नहीं है, चौथा स्थान इस बार आया है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि पेरिस में हम चौथे स्थान से बेहतर करेंगे। हम आने वाले वर्ल्ड कप में, हम आने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में चौथे स्थान से आगे जाएंगे। ये फर्क है भारतीय महिला टीम में और जो नाम आपने लिए उन्होंने, वहां पे एक सिस्टम नहीं था इसीलिए आपको वन ऑफ ब्रिलियंट एथलीट्स मिल गए। यहाँ पर एक सिस्टम है जो कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस आपको मेंटेन करके देगा। राइट, और एक और बात कही जाती है, ये टीम जो है एक यंग टीम और इस पे अगर देखा जाए तो 5-6 साल ये टीम ऐसी रहेगी। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई एज के फैक्टर से रिटायरमेंट होंगे, ऐसा फिर कुछ है ये नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो एक 5-6 साल के लिए ये जो टीम जो है इनका बंधन ऐसे ही रहेगा और इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये आगे और बहुत तंदुरुस्ती की तरफ बढ़ेगी। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप और ये बहुत अहम बात है संदीप। अगर टीम एक साथ खेलती नहीं है, रहती नहीं है, लड़ती नहीं है तो वो बॉन्डिंग नहीं आ पाती। इस टीम में कम से कम 7-8 नहीं तो 10 प्लेयर के करीब है जो 25 साल की उम्र के रेखा के नीचे है। कैंप्स में 10 प्लेयर और है जो 25 के नीचे है। तो इस टीम की एज प्रोफाइल बेहतरीन है, इस टीम को यहाँ से सिर्फ बेहतर ही होना है और नजर रखिए इन पे, ये तहलका मचाने वाली है आने वाले वक्त में। आज मैं कमेंट में भी कह रहा था कि ये जो अवधि है 2021 की हमारी हॉकी के लिए एक नई अवधि होने वाली है। जी जी जी। और मेंस हॉकी को लेकर जाए या फिर वुमेन्स हॉकी को अगर हम देखेंगे, इंडियन हॉकी के लिए 2021 हैज बीन अ फिनोमिनल ईयर। 2021 has been a phenomenal year. If the Olympics would have been in 2020, 2020 भी phenomenal year होता भारतीय हॉकी के लिए। Unfortunately, एक साल का विलंब हुआ है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है संदीप, क्योंकि एक साल के वो विलंब में हमने बहुत ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी नहीं खेली और बावजूद उसके ये परफॉर्मेंस हमें देखने मिले। तो एक बार परफॉर्मेंसेस, एक बार कॉम्पिटिशन फिर से खुलेंगे, ये प्लेयर्स एक बार फिर से खेलेंगे तो आप सोच सकते हैं कि हम कहाँ जाएंगे परफॉर्मेंस तो जरूर मचाएंगे वहां पे। लेकिन एक बात हमें कोचेस के बारे में कहनी होगी, जो वुमेन्स के कोच हैं और मेंस के कोच रहे हैं, बहुत ही अद्भुत तरीके से उन्होंने ये कमाल दर्शाया उन दोनों कोचेस ने। जी जी। और आपके व्यूअर्स के बारे में मैं कहना चाहूंगा, शायद वो जानते हैं जानते नहीं है पता नहीं, श्योर मराइन ने आज शाम को रिजाइन कर दिया जी, जस्ट 2 hours ago। ये डिसीजन उन्होंने 3 महीने पहले ले लिया था मगर चतुराई से समझदारी के साथ उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था। मैं फैन नहीं हूँ इस चीज का कि आप टूर्नामेंट से पहले बता दें कि आप छोड़ के जा रहे हैं, फैमिली से वो बहुत टाइम दूर रहे हैं। तो जी हाँ, संभवतः उन्हें वापस जाना होगा नेदरलैंड्स। ग्राहम रीड और शॉर्ट मराइन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जल्द से जल्द कम से कम इन दोनों को भारतीय सरकार को पद्मश्री दे देना चाहिए। जी जी जरूर जरूर। और पूरे टीमों को, मेंस और वुमेन्स टीम को, दोनों टीमों को खेल रत्न दे देना चाहिए। जी जी, एब्सोल्युटली नो डाउट्स अबाउट दैट। एंड जहां हम इस जीत को देख रहे हैं, रिजल्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये जीत के बारे में बात कर रहा हूँ। रिजल्ट और जीत के बारे में बहुत अंतर होता है अगर हम अलग तरीके से देखा जाए तो। ये जीत जो इंडियन हॉकी की हुई है इस ओलंपिक्स में, मैं सोचता हूँ कि ये जीत जो है एक सिर्फ एक नांदी है, जिसके बाद और जीत आएंगे और अच्छे परफॉर्मेंस आएंगे, अच्छे प्लेयर्स आएंगे और वो पुनर्वैभव जो था हॉकी का जी बिल्कुल हमारे सामने फिर एक बार और देखने को मिलेगा। जी यकीन है मुझे और बिलीव, आप बिलीव कीजिए इस टीम में कि ये अचीव कर सकती है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है ये आप ये टीम अचीव करेगी। और आपके मुंह में घी शक्कर, आप तो इतनी अच्छी बातें गई, क्योंकि हॉकी हम सब की विरासत है। जितने भी हम इंडियंस हैं हम सबको गर्व है। आप आंध्रा से आते हैं, मुकेश कुमार जैसे प्लेयर आंध्र प्रदेश ने दिए है, महिला टीम में रजनी है मेरे ख्याल से अमलापुरम डिस्ट्रिक्ट से आती है वो, और आंध्र प्रदेश का अपना एक इतिहास है प्लेयर्स को प्रोड्यूस करने में, देने में भारतीय हॉकी को। तो
हमारे माइंड्स में क्रिकेट है मगर हमारे हार्ट में हॉकी है, ये मैं मानता हूँ। हमारे दिमागों में क्रिकेट बसा हुआ है, जी हाँ हम सोचते हैं बात करते हैं क्रिकेट के बारे में मगर हॉकी हमारे दिलों में तो उसे भुलाया नहीं जा सकता। और जो इतिहास है हमारा वो हम सबकी विरासत है, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ द स्पोर्ट एंड सपोर्ट। एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ इट एंड सपोर्ट इट। जो भी कहा सुनी हो रही है प्लेयर्स के बारे में, उन सबको हमको इग्नोर करना चाहिए, हमें बस ये देखना चाहिए कि उन्होंने हम सबको एक गर्व महसूस करने का एक मौका दिया है जी टोक्यो 2020 के द्वारा। कोई शक नहीं इस बात में, टोक्यो 2020 एक ऐसा टूर्नामेंट है, एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसने हॉकी की सूरत हाल बदल दी है देश में। और टोक्यो 2020 इज मैं कहूंगा वॉटरशेड मोमेंट इंडियन हॉकी के लिए और स्पोर्ट्स के लिए भी। जी एब्सोल्युटली। एंड टीम इवेंट में बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद, बहुत दशाब्दों के बाद इंडिया को एक मेडल मिला है और हॉकी ने कर दिया है। जो टीम इवेंट हमेशा इंडिया जीतता रहा, जिस टीम इवेंट से हमेशा हमारी उम्मीदें रही थी, 40 साल के बाद ऐसा लगने लगा कि कुछ होगा क्या, कुछ होने वाला है क्या, और अभी ऐसा लग रहा है ये ब्रॉन्ज मेडल के बाद अब तो जरूर होगा। बिल्कुल होगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा संदीप कि ये ब्रॉन्ज मेडल जो लड़कों ने जीता है ये बदलने वाला है, कांस्य पदक रजत या स्वर्ण होने वाला है, और अगली बार पेरिस में कांस्य स्वर्ण या रजत पदक लेकर टीम लौटेगी। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। प्लेजर। और आपको सुन के बहुत कुछ सीखा हूं मैं हॉकी के बारे में, जब मैं हिंदी हाईलाइट सुनता हूं या फिर जब भी मैं आपकी कमेंट्री सुनता हूं, मैं जब हॉकी नहीं कर रहा होता हूं तो हॉकी का देखने का नजरिया जो है बदल दिया है अपने, बहुत अच्छा सीखने को मिला आपसे। एंड थैंक यू टू आवर ब्रॉडकास्टर्स एंड ओलंपिक्स की मुझे आपसे मिलने का मौका मिला है। थैंक यू सिद्धार्थ। थैंक यू।